को वॉल्टर के जादू से बाहर निकालती हैं और कैसेंड्रा और शिमेरा को हराती हैं। सुलारिया में फिर से खुशी का सूरज चमकने लगता है। और जादुई मंत्रों के लिए वो लाइट रॉक किले में घुसता है, पर ना उसे किसी ने देखा और ना ही कोई रोक पाया। फिर हमेशा की तरह अपना मार्क वाल्ट और ब्रांड लगाकर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी के पास इतना पार कैसे हो सकता है? टेक्ना, वाल्टोर कोई आदमी नहीं है, वो एक काला जादूगर है जिसे ज्यादा से ज्यादा पावर की भूख है। इसलिए इससे पहले कि वो हमारे जादुई मंत्रों को अपने कब्जे में ले ले, हमें उसे रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? हम तो उसे ढूंढ भी नहीं सकते। हम वहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे जहाँ आखिरी बार हमला हुआ था, लाइट रॉक। उसने जरूर वहाँ कोई निशान छोड़ा होगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो कहाँ हो सकता है। यस, तुम तो मार गई हो। ओह हाय टेक्ना, तुमने देखा मैंने इस मॉन्स्टर के साथ क्या किया? बहुत बढ़िया, लेकिन अब मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, तो तुम बाहर जाओ। और हाँ, मैं एक जरूरी मिशन पर जा रही हूँ, पता लगाने वाल्टोर कहाँ है। कूल, बस मुझे इसे पूरा कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हो, छोड़ो, जाने दो। सॉरी, मैंने तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे पता है तुम्हें ये खेल कितना पसंद है। ये तो बस एक गेम है टेक्ना, मैं असली लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तो कब निकल रहे हैं? डिजिट, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो और ये मिशन बहुत खतरनाक है। म्यूसा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, मैं बाद में साफ कर दूंगी। तो पिक्सी, ध्यान से सुनो, हो सकता है वाल्टोर हमारे यहाँ ना रहने का फायदा उठाकर एल्फिया में घुसने की कोशिश करे हमारे जादुई मंत्रों को चुराने के लिए। चिंता मत कीजिए मिस सारकोंडा, आप पैसेज के पिक्सी से बात कर रही हैं। मैं अभी हमारे स्कूल के पैसेजेस में अपने मंत्रों से सुरक्षा घेरा बनाती हूँ। थैंक यू लॉकेट, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमने पहले ही बहुत पावरफुल जादुई मंत्रों से स्कूल के लिए सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, देखो ये। हाँ ठीक है, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो, हमेशा ऐसे ही कहती हैं जैसे ये स्कूल चलाती हूँ। ये ही स्कूल चलाती है, वो हेड मिस्ट्रेस है। सॉरी कीको, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, बहुत छोटे हो तुम। आप सबको हो क्या गया है? हम श्रिंक हो गए हैं क्या, जो तुम सबको छोटे छोटे लग रहे हैं? प्लीज पिक का ख्याल रखना, रखोगी ना? पता नहीं लैला, तुम्हें लगता है कि ये जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं? गोसी पापा, इस शिप को चलाने के लिए बहुत एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है। सावधान, स्पेस से यह अचानक कैसी रोशनी आ रही है, सब लोग अपने रिफ्लेक्टिव शील्ड उठा लो। मैं उसे मजबूत इमोशनल सपोर्ट दे सकती हूँ। अच्छा, तो मैं उसका एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना सकती हूँ। अच्छा क्यों नहीं, ये देखो। ओ, समझ गई, तुम्हारी बाकी चीजों की तरह ये भी बस एक इल्यूजन है, जैसे कि कुछ भी असली नहीं है तुम्हारी बाकी चीजों की तरह। राइट, और मैं अपने इसी इल्यूजन से वाल्टोर को जीतूंगी। बस सपने देखती रहो बेवकूफ। अरे तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इस पूरे मैजिकल डायमेंशन में वाल्टोर ही अकेला आदमी नहीं है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो कि वाल्टोर को तुम अपने लिए बचाना चाहती हो? जी बिल्कुल नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड और चालाक है। स्टॉमी सही है, हमने देखा है तुम वाल्टोर को कैसे देखती रहती हो। तो उससे क्या हुआ? खैर चलो, अब मैं बता ही देती हूँ। हाँ, मैं उसे अपने लिए चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ी चुड़ैल हूँ, तो पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। सिस्टर्स, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हर समय हम साथ रहे हैं और कभी भी इस तरह हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। कोई तो रास्ता होगा शांति और समझदारी से इस झगड़े को निपटाने का। ठीक है, उसे मुझे लेने दो, यही एक शांति और समझदारी का रास्ता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अरे ये तो उन छोटी परियों में से एक है ना, जो विंग्स के साथ रहती है, उनकी प्यारी छोटी दोस्त। हेलो, क्या कहा तुमने? तुम्हें कुछ समझ में आया? नहीं, बस ये बच्चों की तरह आवाज कर रही है। एक मिनट,
अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि इन पिक्सीज के पास भी तो बहुत सारे पुराने जादू और पावरफुल मंत्र होते हैं, है ना? हाँ, बाकी जादुई लोगों की तरह। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये हमारी समस्या का हल हो सकता है। जो सबसे पहले इन पिक्सीज के जादू और मंत्र लाएगा, वाल्टर उसका होगा। क्या कहती हो? इनकी बेवकूफियाँ तो मजेदार होती जा रही हैं। चलो पिक्सी विलेज चलते हैं। पक्का वही इन्होंने जादू और मंत्र छुपा कर रखे होंगे। स्टॉर्मी डार्लिंग, पिक्सीज ने उसी वक्त अपने विलेज को वहाँ से हटा लिया है जब हमने उनके विलेज का पता लगाकर उनसे कोडेक्स लिया था। तो फिर चलो स्ट्यूपिड छोटी पिक्सी से पूछते हैं। इससे पूछो कि इसका नया विलेज आखिर कौन सी जगह पर है। इसके बोलने से क्या होगा, हम कौन सी इसकी एक भी बात समझने वाले हैं? मुझे हैरानी है आईसी कि तुम ये बात भूल गई हो कि ये पिक्सी कभी भी अकेले नहीं रहती। इस छोटी पिक्सी को जरा सा दबाने पर बाकी की सारी पिक्सीज जहाँ छुपी है बाहर निकल कर आएंगी। ये क्या है? स्पेसशिप, स्पेसशिप, ड्यूटी कॉल है। जल्दी से कांटेक्ट करो। यहाँ वापस आओ कीड़ी का। लिवी, जल्दी से एल्फिया की पिक्सीज को लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें यहीं रोक कर रखती हूँ। मैं अभी दौड़ के, मतलब उड़ के जा रही हूँ। जल्दी करो लिवी, बाकी सब लोग मैजिक वुड समारोह में गए हुए हैं और हमारे विलेज की सुरक्षा के लिए वहाँ कोई नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि ये और भी बुरा लग रहा है? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है फिर। जासी को ढूंढ रही हो? वो निकल गई है। अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो वो जीत जाएगी। तो फिर चलो, इंतजार किस बात का? इस कोल्ड मास्क के काम करने का इंतजार है। तब तक तुम बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी रहो। ओके 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 ओके। सुनो आईसी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। क्यों ना हम एक डील कर लें, सिर्फ हम दोनों, डार्सी को बताए बिना हम मिलकर पिक्सी विलेज ढूंढते हैं और जैसे ही उनके जादुई मंत्र हमारे हाथ लगते हैं हम तुरंत ही उनसे। सॉरी, तुमने मुझे चुप रहने को कहा था ना? वो मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करती है, प्यार नहीं करती। प्यार करती है, प्यार नहीं करती। हाँ, मैं जानती हूँ प्यार करती है, बस उसे अपना प्यार मुझे और दिखाना चाहिए, बस इतना ही। मूसा को भी मुझे कभी थैंक यू कहना चाहिए उसके कमरे को ठीक ठाक करने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इतना छोटा और बेफिक्र होना कितना मजेदार होता होगा। छोटू, छोटू से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो चाटा, बिल्कुल इसकी तरह। पता है, छोटू के बहुत सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब लिमिटेड, हम्बल, छोटा और नाटा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा इनमें से कोई मतलब नहीं था, है ना? हाँ, हम कभी टावर की तरह किसी को ऊंचाई से नहीं देख सकते। टावर तो बहुत ऊंचा होता है ना, आसमान को छूता हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बस मैंने अपना सर कहीं टकरा दिया था। मैं वो नहीं पूछ रही थी, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे सिर की बात है तो एल्फिया के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मैंने देखा ये काम कर रहा है। लिवी, तुम्हारे पास हमारे लिए किसी का कोई मैसेज है क्या? हाँ, मैं भूल ही गई थी। जल्दी चलो, ट्रिक्स हम पर हमला कर सकती है। सारी पिक्सीज विलेज में है। नहीं, ये सही नहीं है, मुझे कुछ और बताना है। आराम से अच्छी तरह पढ़कर बताओ। हाँ, पढ़ती हूँ। पिक्सी विलेज पर हमले का प्लान है। मैजिकल मंत्रों की सुरक्षा खतरे में है। सभी पिक्सीज विलेज से बाहर मैजिकल समारोह में गई हैं। तुरंत तुम्हारी हेल्प चाहिए। गर्ल्स, हमारे पास एक मिशन आ गया है। जंगल के नन्हे जीवो, चलो हेडमिस्ट्रेस से कहते हैं कि मैजिकल बैरियर हटा दें। या, अब तो मुझे बताओगी कि विलेज कहाँ है? नहीं, अब इस तरह बताओगी कि विलेज कहाँ है? वो ओ नहीं, मुझसे बचकर सिर्फ तभी जा सकती हो जब तुम मुझे विलेज का पता बता दोगी। ओ, ओ रुको गेम। हाँ तो बताओ, ये झूला कैसा लगा? अच्छा।
मैं संभालती हूँ, पहले मैं इन्हें हिप्नोटाइज करती हूँ और फिर इनसे सारी जानकारी लेकर अपने पास रखती हूँ, है ना। मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे से पता है, तुम कुछ ज्यादा ही जलती हो और आईसी की तरह हो, शायद उससे भी बुरी हो। सारे स्पेसशिप आ जाओ, आ जाओ स्पेसशिप। हम तीनों की तरफ से थैंक यू ट्रिक्स, बाय बाय। ये बदमाश कीड़े हमसे बच के निकल रहे हैं, अब मैं अपने तरीके से वहां पहुंचूंगी। इनका सीक्रेट विलेज इन्हीं किसी पेड़ में है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। नन्ही मुन्नी परियों, कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कहती हो, हम अलग अलग ढूंढे? ठीक है, लेकिन पहले एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। वो क्या है? पहले तुमने सच में ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हें डबल क्रॉस कर रही हूँ, नहीं ना? बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं अभी तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सच में मैं ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहती हूँ, तो तुम मेरे पीछे ही रहोगे, आ जाओ। कम ऑन पिक्सीज, बाहर निकलो। तुम्हारी जैसी प्यारी और नाजुक पिक्सीज को फूल बहुत पसंद होने चाहिए, है ना? क्या कहती हो, जल्दी बाहर आ जाओ। ओह, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। यहू, डार्सी को बताओ तुम कहाँ हो। वो इस तरफ से आ रही है, उड़ने के लिए तैयार हो? मैं बहुत बड़ा खतरा ले रही हूँ, मेरे पीछे आओ। बिलकबू, पकड़ लिया। इस तरफ नहीं, वो रास्ता है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लॉकेट, जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज। तो हम कहाँ गए? मुझे नहीं पता। तुमने बाहर निकलने का पैसेज तो ढूंढ लिया, पर ये शायद तुम्हारे लिए मुश्किल था। अरे मैं तो फेरी जैसे बात कर रही थी, है ना? मुझे लगा था कि सही रास्ता यही कहीं से है। ठीक है, 5 तक काउंट करो और दिमाग के सर्किट को आराम दो। सही रास्ता कहाँ के लिए? ये तो पिक्सी विलेज का रास्ता है ही नहीं। सबसे पहले हमें बजी और ग्लिम को ढूंढना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी खतरे में हो। सुनो दोस्तों, मैं मैजिक स्पीयर में रास्ता ढूंढ रही थी और मैंने ट्रिक्स को देखा, उन्होंने बस और ग्लिम को पकड़ लिया है। ओह नो, चलो जल्दी अभी मेरे साथ आओ। अरे लिवी कहाँ चली गयी? बताओ तुम्हारा विलेज कहाँ है, वरना मुझे तुम्हारी ये किंग किंग की वाली भाषा समझ में नहीं आ रही है। तुम किंग किंग की कर रही हो? अमोरे, इसके अंदर ध्यान से देखो और बताओ कि वो मुलक्कड़ लिवी आते हैं कहाँ पर? एक सेकंड चुप रहो, तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या सुना? बोलो छोटे छोटे कीड़े। मेरा खास सेंसर बता रहा है कि ये डार्सी है। हे दोस्तों, ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। पीकबू, अब मेरी बारी है तुम्हें सरप्राइज देने की। हाँ? ओ स्पेसशिप, तुम ठीक तो हो ना? तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई हूँ, बदमाश कीड़े मकोड़े। क्या बुलाया? मैंने इन्हें कीड़े मकोड़े बुलाया और अब पेस्ट कंट्रोल का टाइम है। मेरे साइंटिस्ट अंकल को कीड़े मकोड़े बहुत पसंद थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत कमाल के होते हैं, जहाँ चले जा सकते हैं और कोई इन्हें पकड़ भी नहीं सकता। प्लीज 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 ऐसा मत करना, मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो लगा था ये पानी के जीव नहीं है। ये नहीं हो सकता, वो मुझसे पहले पिक्सीज विलेज नहीं पा सकती, इसे कैसे पा लिया? तो रुक जाओ, अब ये बहुत कमजोर हो गई है हमारा नुकसान करने के लिए। ठीक है, रुक जाती हूँ, लेकिन मजा आ रहा था। कितनी अजीब बात है ना, कि जिंदगी में सारी अच्छी चीजें बहुत ही कम समय के लिए रहती हैं। आई सी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक आदमी के पीछे अपनी दोस्ती बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वैसे सब कुछ ठीक तो है ना? अब ठीक है, हम एक साथ हो गए हैं तो उन पिक्सीज को सबक सिखाते हैं। सही है, और जितनी जल्दी हम ये करेंगे उतनी जल्दी वेल्चोर मेरा हो जाएगा।
मुझे पाने की इन तीनों की कोशिश देखकर अच्छा लग रहा है। हमला करो। चलो सब फेरी पैट, चलो इस तरफ। ओ नहीं, ये क्या बकवास है, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो। अब ये भी, हर कोई हमें छोटे ही बुला रहा है। अगर तुम जरा भी बड़े होते तो अब जरा रुक जाओ। तो अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। ओ नहीं कीको, ये नहीं हो सकता। ओ कीको तुम कहाँ हो? क्या पता वो भाग गया है। नहीं ये तो बहुत भारी है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ब्लूम बहुत दुखी हो जाएगी। ओके क्या मैं जाकर उसे बताऊँ? मैं भाग रही हूँ, मतलब उड़ रही हूँ। नहीं तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। मैं तो लव की पिक्सी हूँ, मुझे अपने दोस्तों को प्यार करना चाहिए, ना कि कीड़ों की तरह उन्हें कुचलना चाहिए। कीको मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। जिंदा हो ना? मैं हूँ डिजिट, देखो ना। अब मैं इन तीनों को सिखाऊंगी कि हमारे जैसे छोटू जीवों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तुम लोग खुद को छोटी कह रही हो, लेकिन तुम तो नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो। भयानक बड़ी, सांड जैसी, भैंस जैसी, गेंडे जैसी, दरियाई घोड़े जैसी, एब्नॉर्मल हो, पूरी तरह से आउट ऑफ शेप एंड साइज़। कहती हूँ मैं, बात समझ गई। मैं तो बस डिटेल में सारे एग्जांपल्स दे रही थी। तो अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं सच में अपने इस साइज को एंजॉय करना चाहती हूँ। उपसी, मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। तो अब क्या करोगे छोटी मक्खी? लो हो गया। तो तुम अभी हमें नहीं बताने वाली हो कि नया पिक्सी विलेज कहाँ है? मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। फिर तो बहुत बुरा है, मुझे नहीं लगता तुम इस ठंड को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकती हो। जल्दी सोचो, हमें कुछ करना होगा वरना डिजिट नहीं बचेगी। हाँ मुझे पता है, मुझे जरा सोचने दो। इससे पहले मैंने आईसी के बारे में एक मजेदार चीज देखी। क्या था वो? क्या देखा तुमने? ओह ये तो बहुत अच्छा है, देखो इसे। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है और तुम जानना चाहती हो कि वो तुम तीनों में से किसे चुनता है। तुम्हारी सुंदरता, स्टॉमी की भावनाएं और डार्सी की दिल लुभाने वाली अदाएं, वो किसे चुनने वाला है ये अभी तक नहीं पता चला है। मैं प्यार की पिक्सी हूँ और मैं इसे अच्छी तरह बैलेंस करना जानती हूँ। मैं चाहूँ तो वो तुम में से किसी एक के प्यार में पड़ सकता है। बस मुझे इतना करना होगा कि उसके ऊपर पिक्सी डस्ट छिड़कता होगा। वो डस्ट मुझे अभी के अभी दो। पहले डिजिट को आजाद करो। तुम कौन होती हो हमें ऑर्डर्स देने वाली? रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। वेल्टोर। वेल्टोर हाँ, टेक मैं यहाँ होती तो तुम्हें बढ़िया सबक सिखाती। ये बेवकूफी भरा कॉन्टेस्ट अब खत्म हुआ, मुझे तुम लोगों की जरूरत इससे ज्यादा जरूरी आने वाली लड़ाई के लिए है। नहीं होगा पर मैंने अभी डार्सी और स्टॉमी को कुचल दिया। वैसे ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता तो बहुत मजा आया होता। ओ नहीं, मुझे इन लड़कियों से लड़ना वीडियो गेम से ज्यादा मजेदार लगने लगा था। अब जाओ और उनके साथ रहो, उसके बाद तुम तीनों मुझे फॉलो करना। ओह तो तुम यही हो। बस थोड़ी देर रुको, मैं बाहर आती हूँ, फिर तुम अपना कंप्यूटर यूज करना। नहीं नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अच्छा, अचानक इतनी दिलदारी क्यों? किसी मतलब से नहीं कह रही, बस वो ऐसा है कि जब हम काफी टाइम से दूर रहते हैं और जब कोई वापस आता है तो मैंने सोचा कि। टेक्ना तुम इतना सेंटी मत बनो, हम तो बस कुछ ही घंटों के लिए अलग हुए थे ना। हाँ हे ट्यून, क्यों ना हम दोनों मिलकर कमरे को ठीक करें, क्या कहती हो? मुझे अभी कुछ और करना है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खुद ही कर लो। ये लो। लेकिन तुमने कीको को देखा?
अजीब बात है, पहले जब भी किसी मिशन से आती थी तो सबसे पहले वो ही मिलता था, समझ नहीं आ रहा। हाँ, कैसा मिशन? वेल्टोर का कोई पता तो लगा ही नहीं। आज कितनी अजीब सी चीजें हो रही हैं, तुम्हें नहीं लगता म्यूजा? हाँ, कीको के लिए चलो चीयर्स करें। कीको ने आज वोल्टोर को देखा, क्या देखा? हाँ, और सुनने में आया है कि डिजिट उन्हें भगाने में कामयाब रही। थैंक यू। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से हमारी टीम की कोशिशों की वजह से हुआ है। पिक्सीज, कीको और फेरी पेट्स मिलकर लड़े थे। ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ, इतना सब कुछ चल रहा था और मैं बैरियर हटाना भूल ही गई। आज की घटना और डिजिट की कोशिशों से हमें पता चल गया है कि वेल्टोर के पास अभी भी एगाडोर का बॉक्स है, पर इसके अलावा हमें और कुछ भी अभी पता नहीं चला है। डिजिट और उसकी टीम ने हमारी बहुत हेल्प की है। असल में आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मैं कितनी बड़ी हेल्प थी। विंग्स एक अनदेखे क्षेत्र बैरियर माउंटेन के सफर पर निकल जाती हैं। वो एक छुपे हुए लेजेंडरी गोल्डन किंगडम की तलाश में हैं, जो रेड टावर के नीचे हैं।